हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज आप सोच रहोगे कि मोटो ब्लॉग अवतार में, वेल आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड मोटो ब्लॉगिंग तो मुझे ये कन्फ्यूजन था कि कौन सा माइक चूज करना चाहिए, क्योंकि यार कैमरे में तो एक ही कैमरा है, गोप्रो, जो सबसे बेस्ट है। लेकिन दोस्तों माइक की बात कर तो यहाँ पर बहुत सारे माइक आ जाते हैं, राइट। रॉड का आ जाता है, बोया का आ जाता है, मोनो का आ जाता है, डिजिटेक का आ जाता है, तो बहुत सारे माइक हैं जो कि अवेलेबल है। नाउ कन्फ्यूजन ये था कि कौन सा चूज़ करा जाए, कौन सा बेस्ट रहेगा, राइट। क्योंकि यही कन्फ्यूजन होती है। तो हमको वीडियो क्वालिटी अच्छी चाहिए, लेकिन हमको ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी यही क्वेश्चन उठता है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिकॉज आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं तीन माइक को। एक है हमारा मोहना का, राइट, एंड दूसरा है हमारा बोया का, तीसरा है डिजिटेक का। इसका कवर मैंने फेंक दिया था, बहुत पहले खरीदा था क्योंकि। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। वेलकम जी, वेलकम। तो भाई कंपटीशन हो गया है शुरू, एंड अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये है डिजिटेक की माइक की। मॉडल नंबर कौन सा है मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। तो चलो अब बाइक को चलाते हैं एंड देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, राइट। एंड दोस्तों आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में, कॉमेंट करके कि किस माइक की क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपको। तो भाई फ़िलहाल तो मैं अभी वाइजर ओपन करके चला रहा हूँ बाइक, एंड सारे माइकों की प्लेसमेंट सेम जगह होने वाली है, राइट चीक के पास, मतलब राइट चीक की पैडिंग के पास, राइट। तो अभी मैं वाइजर खोल के चला रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो क्वालिटी सुन रहे हो आप, ये है डिजिटेक के माइक की, और आई डोंट नो कैसी आ रही होगी। अभी फ़िलहाल तो वाइजर खुला हुआ है एंड बाइक की स्पीड है 60। ओके, तो वाइजर खुला हुआ है, 60 की स्पीड में ये ऐसा साउंड कर रहा है। खैर अभी अब मैं करता हूँ वाइजर बंद एंड फिर देखते हैं साउंड में कुछ चेंज आता है या नहीं। तो 1 2 3। तो भाई वाइजर हो गया है बंद, अब बताना कोई चेंज है साउंड में नहीं। अभी 70 की स्पीड पे बाइक चल रही है भाई, आराम से 70। विंड नॉइज़ काफ़ी है बाहर, अब अंदर पता नहीं कैसा आ रहा होगा। डिजिटेक, डिजिटेक। तो सबसे पहला माइक मैंने डिजिटेक का ही लिया था, एंड इसको अगर आपको गोप्रो में लगाना है तो आपको चाहिए होता है एक TRS to TTRS केबल, नॉट केबल एक्चुअली कन्वर्टर, राइट। उसकी हेल्प से आप इसको अपने गोप्रो से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होने वाला। तो ये है कुछ इसकी साउंड क्वालिटी। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3 1 2 3। 70-80 की स्पीड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेलो हेलो हेलो, घुमावदार रास्ते, ऊपर से बीच में कार, देखो कहाँ से लेके जा रहा है। अरे भाई कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे। तो ये है हमारा डिजिटेक का माइक। आई होप इसकी ये स्ट्रेस अच्छा है। तो अब हम चेक कर सकते हैं, वाइजर बंद है दोस्तों, 80 की स्पीड चल रही है बाइक की अभी, 80 90 100। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको, 90। तो भाई आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि डिजिटेक के माइक का साउंड क्वालिटी कैसा है, राइट। अब चेंज करते हैं माइक एंड स्विच करते हैं बोया पे। तो दोस्तों ये थी क्वालिटी कुछ डिजिटेक की माइक की। अब हमारा नेक्स्ट कॉम्पिटिटर वो है बोया, अब देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। एंड इसके साथ एक बात है कि इसके लिए आपको TRS टू TTRS कन्वर्टर तो नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको इसके अंदर बैटरी डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर आपको लगानी पड़ेगी बैटरी एंड तभी ये चलता है। तो अब जो आप ऑडियो सुनने वाले उसके बाद वो होगी इस माइक की। तो 1 2 3। हेलो हेलो हेलो, बोया इन द हाउस बेबी। तो अब जो आवाज़ सुन रहे हो आप वो है बोया के माइक की। तो चलो चलाते हैं बाइक को अपनी, देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो अगेन दोस्तों अभी वाइजर ओपन ही है एंड आप सुन सकते हो इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों अब चलाते हैं अपनी बाइक को, 50 60। वाइजर अभी खुला हुआ है, वाइजर मैंने बंद नहीं करा है, आप चेक कर सकते हो कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, विंड नॉइस है कि नहीं। 60। ओके, ये है बोया का जलवा। यार मैं भी कंफ्यूज था एक्चुअली कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो आई एम ऑल्सो नॉट श्योर दैट इज़ आई दिस कंपेरिजन इज गोइंग टू हेल्प यू एज वेल एज। दोस्तों चलो अब करते हैं वाइज़र बंद। तो भाई वाइज़र हो गया है बंद एंड अब करते हैं इसको दौड़ाते हैं, अब दौड़ाते हैं इसको थोड़ा सा, 80 की स्पीड है भाई, देख लेना साउंड क्वालिटी कैसी है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, स्पेशली अकेले। तो खुद ही कैमरा पकड़ो, खुद ही खड़ा करके आओ उस कैमरे को, फिर खुद ही जाओ स्टॉप करो एंड खुद ही वीडियो बनाओ। तो 4-5 चक्कर लग जाते हैं एक शॉट के लिए,
तो सब्सक्राइब कर देना भाई, अदरवाइज दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। यस ऑफ कोर्स, हम भी इंसान है दोस्तों, बाहर विंड अच्छी खासी है एंड अंदर मुझे नहीं पता क्योंकि अभी मैं फिलहाल वाइजर ऑफ करके चला रहा हूँ 85 की स्पीड पे। माइक की पोजीशनिंग वगैरह सेम जगह पे है, कोई भी इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं है, राइट सब एक ही जगह पे हैं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिले। अब ऐसा होता है ना कि एक को मैं दूसरी जगह प्लेस कर दूँ एंड दूसरे को मैं दूसरी जगह प्लेस कर दूँ तो ऑफकोर्स आवाज़ में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं है, हमने सबको एक ही जगह प्लेस करा है माइक को, तो आपको ऑडियो क्वालिटी समझ में आ जाएगी एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने लिए कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों अभी जो आपने ऑडियो सुनी वो थी बोया के माइक से एंड अब हमारा आ रहा है तीसरा खिलाड़ी जो कि है मोनो माउनो मोनो जो भी है ये यही आ रहा है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट ऑडियो आप सुनने वाले वो होगी इस माइक से, 1 2 3 स्टार्ट। तो दोस्तों बोया तो खो गया लेकिन अब आ गया हमारा दूसरा कॉम्पिटिटर जिसका नाम है मोनो या जो भी इसका नाम है वही आ गया है, ठीक है। अब करते हैं अपनी बाइक को स्टार्ट एंड चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। अगेन वाइजर ओपन है हमारा एंड दोस्तों इन सब की रॉ ऑडियो ही अपलोड होने वाली है, कोई भी थोड़ी सी भी एडिटिंग नहीं होगी ऑडियो में, तो आप जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि सबकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो भाई आप सुन सकते हो माउनो की साउंड क्वालिटी, अभी है हमारी स्पीड 60 एंड वाइजर है हमारा खुला हुआ, तो आई होप आपको आवाज़ आ रही हो मेरी, राइट। दूर दूर तक रोड पे कोई भी नहीं है, एक मैं ही सरफी रहा हूँ, वो एक बंदा हुआ है, एक मैं ही सरफी रहा हूँ जो आपके लिए वीडियो बना रहा है। तो आओ चलो वाइजर को करते हैं थोड़ा सा बंद, ना थोड़ा सा पूरा बंद कर लिया है एंड अब इसको भगा के देखते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। तो भाई दौड़ा के देखते हैं इसको भी अब, ताकि हमारे को आइडिया मिल जाए। देख रहा दूर दूर तक कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ सर फिरा सा जो वीडियो बना रहा है। 70 की स्पीड पे भाई ऑडियो आ रही है, आ रही है, आई डोंट नो आ रही है या नहीं आ रही है। अरे भाई कहाँ चला रहा हूँ मैं, ऑफ रोडिंग वीडियो नहीं है ये माइक टेस्टिंग की वीडियो है भाई। ऑलमोस्ट 90 की स्पीड पे हमारी साउंड क्वालिटी आ रही है, साउंड क्वालिटी आ रही है नहीं आ रही, वैन सामने से आ रही है। ये ओ भैया तू कहाँ आ गए मेरे सामने एकदम से, गिर जाता भी मैं, वो तो थैंक गॉड बाइक में ABS आ गए हैं अब तो बच जाते बंदे। सो दोस्तों ये थी साउंड क्वालिटी माउनो माइक की। तो आज हमने आपको ऑडियो सुनाया बोया के माइक का, माउनो के माइक का एंड डिजिटेक के माइक का। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एक बेटर डिसीजन लेने में एंड अगर आपको इन माइक के साथ पूरा पूरा व्लॉग देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्लॉग दे दूंगा जो मैंने इन माइक के साथ शूट करे हैं, डिफरेंट व्लॉग्स हैं हर सिनेरियोज में, तो आप देख सकते हो आपको हेल्प मिलेगी और भी। एंड अगर आप इनको परचेज करना चाहते हो तो उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप आराम से वहां से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप ये वीडियो यूज़फुल रहा हो, अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना एंड हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।